तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू एक अनदर फार्मिंग सिमुलेटर वीडियो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मिल्क की फार्मिंग, मतलब ग्रास होते हैं ना, हमारे पास जो काव है उनको हम ग्रास खिलाएंगे और वो ग्रास खा के फिर हमें मिल्क देगी। तो वो प्रोसेस लंबा है, लेकिन अभी मिल्क चाहिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क कॉस्टली आइटम है, मतलब वो ज़्यादा महंगा है और ज़्यादा पैसे मिलते हैं उससे, क्रॉप से तो ज़्यादा मिलते हैं। आप स्टोरेज में इधर देख सकते हो, काउस के अंदर ग्रास में 0% और मिल्क में भी 0% है। तो अभी जैसे ही हम ग्रास डालेंगे, वैसे वैसे वो ग्रास खाती रहेगी और फिर मिल्क आता रहेगा। और सबसे पहले जो है, हमें स्टार्टिंग में जो ग्रास फील्ड मिला जाता है ना, ये सामने वाला जो है ये ग्रास का फील्ड है, इसको हमें ये जो पीछे मशीन है ट्रैक्टर के, उस मशीन से हमें कट करना है। मैप में देख सकते हो ग्रास उग रखा है वो दो साइट पे, मतलब एक खेत में। तो सेम हमें ये मशीन को अभी डालना है इधर और चालू कर देना है। और पीछे जो है ये वाला ट्रक डालना है, ये मैंने वैगन लिया हुआ है जिसके अंदर पूरा ग्रास जो है कट होकर कलेक्ट हो जाता है। आप चाहिए तो इसका बेल बना सकते हो, उसमें बेल मशीन आता है, बेल मशीन ले सकते हो। नहीं तो फिर आप वो बेल नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा नॉर्मल ग्रास कलेक्ट कर सकते हैं इस वैगन की मदद से। तो मैं सिंपल वही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये सही लगा, क्योंकि इससे हम ये भी बना सकते हैं और ग्रास लेकर आराम से रख भी सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी टाइम लगता है इसे कलेक्ट होने में और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है इसे बनाने में। लेकिन जब हाई कैपेसिटी वाले ट्रैक्टर आ जाएंगे ना, तब ये काम 2 सेकेंड का रहेगा, बस 2 सेकेंड में पूरा खेत ख़त्म। फिलहाल अभी ट्रैक्टर थोड़ा छोटा है और पैसा भी नहीं है ना, तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें जो है नॉर्मल काम ही करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, हम चलते हैं ऐसे ही काम करेंगे। तो इस पूरे खेत से ना हमें 71% ग्रास मिली है, और इस ग्रास को अभी जो आप सामने कव का शेप का कुरवर ड्राइंग देख सकते हैं ना, उस ड्राइंग के अंदर हमें इसको खड़ा करना है और सारी की सारी ग्रास जो है अनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हो पीछे ओपन हो चुका है और सारी की सारी ग्रास अभी अनलोड होने वाली। तो ये हो चुकी है अनलोड, और अभी जैसे जैसे काऊ हमारी घास खाएगी वैसे वैसे मिल्क देगी। आप स्टोरेज में देख सकते हो 66% ग्रास जा चुकी है उनके पास, मतलब वो ग्रास का हिसाब अलग अलग रहता है। इसलिए यहाँ पर अभी जो है पूरा ग्रास कट होकर वो खाकर पूरा जितना भी मिल्क दिया है वो 83% मिल्क आया है, मतलब एटलीस्ट 2 बार मैंने ग्रास कट करके डाला है तब जाकर 83% आया। अब इसको फटाफट से लेकर चलते हैं और इसको बेचकर देखते हैं कितना पैसे मिलेगा। अभी 83% ही है, अभी भी काफ़ी आना चाहिए था मिल्क, लेकिन उसके लिए ग्रास और कलेक्ट करनी पड़ती, तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं छोड़ो अभी जान दो। तो एक बार में 83% का कितना मिलेगा पैसा, तो लगभग 45,000 तक मिला है, तो अच्छा है। अभी 100% होता तो और भी ज़्यादा मिलता। तो कोई बात नहीं, इसी पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।